मोबाइल में या कंप्यूटर में जिसमें भी आप ओपन करना चाहे ओपन कर सकते हैं, और उसमें लिखिए केवीएस फीस। केवीएस फीस लिखते ही सबसे ऊपर सबसे पहला लिंक आएगा फीस कलेक्शन का, यूनियन बैंक का, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही ऑनलाइन फीस कलेक्शन फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करिए। उसके बाद इसमें क्लिक हेयर टू ऑनलाइन पेमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे मांगेगा स्टूडेंट यूनिक आईडी। उसके बाद इसमें दिया हुआ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आप बच्चे की जो एक्यूरेट है वो भरेंगे, और फिर कैप्चा कोड। जैसे आप ये डाल लेते हैं उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके बच्चे का नाम आपको दिखाई दे जाएगा। ये देखिए यहाँ पर बच्चे की प्रोफाइल ओपन हो गई है, नाम आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको देना है और ईमेल आईडी, जिस पे आपकी फ़ीस की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आपने मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ, डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं अगर आपके पास डेबिट कार्ड अवेलेबल है तो। कार्ड नंबर डालेंगे और कार्ड के ऊपर मंथ एंड ईयर दिया होता है वो मंथ एंड ईयर डालेंगे, और कार्ड के बैक साइड में सीवीवी कोड होता है वो सीवीवी कोड डालेंगे। उसके बाद कार्ड पे जो नाम अवेलेबल है वो नाम डालेंगे और सीधा मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। बस इतना सा छोटा सा प्रोसेस है। उसके बाद आपकी पेमेंट आपके अकाउंट से देखिए 1500 रुपये इसमें आ रहे हैं, 1500 रुपये आपके अकाउंट से कट जाएंगे। केवीएस की फीस 1500 रुपये होती है, क्वार्टरली फीस कटती है। एंड सबमिट बटन पे क्लिक कर दूँ, आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।